जय हिंद, आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। अभी अभी एक मिनट पहले पूरे भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी, चारों तरफ बस खुशी का माहौल, लोग खुशी से उछल पड़े। सरकार का बड़ा ऐलान, ऐलान सुनते ही लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह, चारों तरफ बस नाचने झूमने गाने लगे लोग। बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने लाडली बहनों को जहां रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये उपहार के तौर पर दिए हैं, वहीं सावन माह में गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिए जाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में पूरे प्रदेश से पहुंची महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज अभी इसी क्षण से सिंगल क्लिक से लाडली बहनों को 250 रुपये रक्षाबंधन के अवसर पर दिए हैं। हर माह की तरह 10 सितम्बर को 1000 रुपये डालूंगा। उन्होंने आगे कहा, सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपये में दी जाएगी, इसके बाद परमानेंट व्यवस्था बनाऊंगा ताकि बहनें परेशान ना हों। चौहान ने राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा, अभी तक पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35 कर रहा हूं। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35 होगी बेटियों की भर्ती, शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की होगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी पदों पर जो बड़ी पोस्ट है उनमें भी 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, बहनों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। राज्य में शराब नीति को लेकर चौहान ने कहा, आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं बहनों, शराब नीति में शामिल होगा कि इलाके की आधे से अधिक बहनें यदि नहीं चाहेंगी तो वहां शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी। राज्य में संचालित लाडली बेटी योजना को लेकर उन्होंने कहा, आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि लाडली बेटियों को मामा पढ़ाएगा, उनकी फीस भरवाएगा ताकि बेटियां भी ठीक से पढ़ सकें। इसके साथ ही जितनी भी लाडली बहना हैं वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी, उन्हें लोन भी मिलेगा जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भरेगी।